नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बेच का पहला दिन है और इस फार्म में आज चिक्स आए हैं। टोटल 3500 चिक्स डाले हैं मैंने। मैं हमेशा इसमें जो है इसी फार्म के हिसाब से चिक्स डालता था, किंतु इस बार जो है करीब दो साल बाद मैं वापस ओपन फार्म के हिसाब से चिक्स डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वाली बेच जो है ओपन ही निकालूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर की समस्या है। तो मैं नया ट्रांसफार्मर लगवा रहा हूँ और ट्रांसफार्मर जब खेत सूखेंगे, जब फसल थोड़ी खाली होगी, उसके बाद में जो है ट्रांसफार्मर लग पाएगा। तो दोस्तों, उसके कारण जो है मैंने इस बार चिक्स कम लिए हैं। दोस्तों, हर एक टोटल मैंने जो है 8 पार्टीशन किए हैं, आप देख सकते हैं 5 और इधर 3, 8। दोस्तों, 8 पार्टीशन किए हैं। 8 पार्टीशन में जो है मैंने प्रत्येक पार्टीशन में करीब 475 बर्ड जो है आए हैं। ये वाला जो पार्टीशन थोड़ा सा छोटा है, तो इसमें मैंने कम जो है करीब 450 बर्ड के आसपास मैंने डाले हैं। दोस्तों, वो पेपर की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण जो है मैंने इस बार जो दाना जो है, ये दाने की जो बोरियाँ रखी हुई थी मेरे पास में, उसको ही साफ करके उसको ही उसके ऊपर ही दाना डाल दिया। देखिए, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो है मैंने पहले दिन से मैं क्या करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये जो निप्पल लाइन है, यहाँ तक जो है चिक्स का जो है गर्दन नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है। तो दोस्तों, ये आपको जो काला काला जो दिख रहा है, ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइट एडजस्टर। ये तो सभी फार्मरों को पता है दोस्तों। इससे जो है, इसीलिए जो हम निप्पल सिस्टम में इससे हाइट एडजस्टर लगाते हैं, ताकि हम जो है निप्पल की हाइट को एडजस्ट कर सकें। देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए, आप जो है चिक्स का जो है गर्दन आसानी से जो है निप्पल तक पहुँच जाएगी। वैसे दोस्तों, पहले दिन से ही मैं निप्पल सिस्टम तो लगा देता हूँ। ये हाई पार्टीशन में आप देख सकते हैं, ये देखिए, पहले दिन से ही निप्पल सिस्टम का मैं उपयोग करता हूँ, किंतु साथ में जो है मैं चिक ड्रिंकर भी प्रयोग करता हूँ। चिक ड्रिंकर भी जो आसान, अगर निप्पल में पानी नहीं पी पाएगा बर्ड, तो ड्रिंकर में तो पानी पी लेगा। किंतु दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि चिक ड्रिंकर थोड़े कम कम है। मैंने सभी में जो है अभी कम कम चिक ड्रिंकर लगाए हैं। कल मैं और चिक ड्रिंकर भी बढ़ा दूंगा, फीडर भी बढ़ा दूंगा। अभी फीडर की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता हमें जो है ये बोरियों के ऊपर दाना डालने की है। ये देख सकते हैं, और इस पर बहुत बढ़िया तरीके से दाना खा रहे हैं ये बर्ड। ये देखिए, ये देखिए। और दोस्तों, बाहर बारिश हो रही है, उसके बाद में भी फार्म के अंदर का तापमान जो है इतना कम नहीं है, इतना कम नहीं हुआ कि हमें ब्रूडिंग की इतनी आवश्यकता नहीं है। ब्रूडिंग की अगर आवश्यकता अगर हमें लगेगी, तो हम जो है तुरंत इलेक्ट्रिक जो हमारा डीजल ब्रूडर है, ब्रूडर हम चालू कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। किंतु अभी हमें ऐसा लग नहीं रहा है। अब ये जो है इनको थोड़ा सा हमें भगाना पड़ेगा। देखिए, अभी पानी में हमने सिर्फ इनको गुड़ दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। सैनिटाइज वाटर जो है हम कल से इनको चालू करेंगे।